हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह आईपीएस के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के दिशा निर्देशों पर समूचे हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष नशा मुक्त हरियाणा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए आज हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट कुरुक्षेत्र में महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए ट्रक चालक से 6 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा पोस्ट बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक जगवीर सिंह व यूनिट कुरुक्षेत्र प्रभारी इंस्पेक्टर सुखपाल ने बताया कि एक पुलिस टीम विनोद कुमार की अगुवाई में गश्त व चेकिंग के दौरान वे नशीले पदार्थ की तलाश करने गांव-गांव पखाना बस अड्डा पर मौजूद थे। तभी एक खास मुखबर से सूचना मिली कि इमरान खान पुत्र अयूब खान वासी हमीदा जिला यमुनानगर जो ट्रक ड्राइविंग का काम करता है और जसवंत सिंह पुत्र अनिरुद्ध वासी यमुनानगर को क्लीनर रखा हुआ है और मध्य प्रदेश व राजस्थान की तरफ से अपने ट्रक में सामान लोड करके पंजाब हरियाणा की तरफ से आते हैं और आते समय अपने ट्रक के कैबिन में डोडा पोस्ट छुपा कर लाते हैं। और आज भी ट्रक जो गांव पखाना के एरिया में बनी फैक्ट्री में गाड़ी खाली करके पखाना सोकडा रोड की तरफ आएगा उस ट्रक में चूरा पोस्ट हो सकता है। सूचना पाकर यूनिट की पुलिस टीम ने नाकाबंदी शुरू कर दी और कुछ देर बाद बताया गया ट्रक दिखाई दिया जिसको पुलिस टीम द्वारा टॉर्च का इशारा करके साइड में लगाकर रुकवाया गया। ट्रक में बैठे व्यक्ति से जब पूछा गया कि ट्रक में क्या है तो वही संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। मौके पर राजपत्र अधिकारी विजय कुमार उप पुलिस अधीक्षक नीलोखेड़ी को बुलाकर जब ट्रक की राशि ली गई तो ट्रक की ड्राइवर सीट से पीछे लंबी सीट पर एक प्लास्टिक कट्टा जिसमें चूरा पोस्ट बरामद हुआ जिनका कंप्यूटर कांटे पर वजन करने पर 6 किलो 800 ग्राम हुआ। हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यूनिट कुरुक्षेत्र प्रभारी इंस्पेक्टर सुखपाल ने बताया कि आरोपी की पहचान इमरान खान पुत्र अयूब खान वासी हमीदा यमुनानगर व जसवंत सिंह पुत्र अनिरुद्ध वासी यमुनानगर के रूप में हुई जिसके संबंध में थाना द्रावड़ी में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया और अब आरोपियों को पेश अदालत करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा।